तो भाई आज मेरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत वैसे किचन में हो चुकी है, बट मैं खोल रही थी, मेरे से खुला नहीं, मैंने उल्टा बंद कर दिया ये, और मैं इनसे गुस्सा हूँ आज। इन्होंने मुझे धोखा दिया पहली बार। मैं कहना चाहूँगी कि पहली बार इन्होंने मुझे धोखा दिया ज़िंदगी में 18-19 महीनों में, और धोखा वो क्या है वो भी बताऊँगी। इनको गेट खोल रखो। जय श्री राम। तो भाई गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनम कटारे फिटनेस। जय श्री राम दोस्तों। तो आज अपने भाई कार्डियो से शुरुआत आपको दिखाई रहे हैं। जैसे कि आप सोचते होंगे भाई आप करते तो होने सुबह दिखाते आज संडे तो इसलिए मैं हूँ इसलिए दिखा देंगे। हाँ, तो संडे को भाई देखो एक तो क्लाइंट्स नहीं रहते, ऊपर से डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैं बना लेता हूँ। और इनको बताओ ना मैं आज क्यों आई हूँ, मतलब मैं संडे क्यों आने लग गई हूँ, क्योंकि यहाँ सोफा पड़ा है, सो जाते हैं। नहीं मतलब आराम से लेट लेती हूँ। सबसे बढ़िया बात आज ये है, मैं इसको कॉफी बनाने के लिए बोल के आया था दूध वाली कॉफी, और मैं पी रही ब्लैक कॉफी आ रहा हूँ, और मेरे को पूरी कॉफी भी नहीं पीनी, दूध बच गया मेरा, तो मेरे को ना इन्नू से दूध में चाय। संडे और आज भाई एक दूसरा बर्थडे, मुझे इन्नू से दूध में चाय पी के आनी पड़ रही है। वो अगर बुला ले तो। और अब बताओ कि आप कल मेरे साथ क्या बनवाने वाले थे और आप धोखा दे के जा रहे हो। बनवाऊंगा, टेंशन ना ले। बताओ क्या। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू, तो बने रहे ब्लॉग में बने रहे। अब एक चीज और दिखाऊंगी, तो सामान बताएंगे क्या क्या लगता है वो जरूर लेके आना, और वैसे ही बनाना, और हर किसी का तरीका अलग होगा, तो बता सकते हो कि उनके में क्या है हमारे में क्या है, क्योंकि मैं क्या हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा अलग हो, मेरे को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो भाई पहले मैंने सिर्फ जिम पे रखा था ये मनी प्लांट, और ये बहुत छोटा सा था जब मैं लाई थी, थोड़ा बड़ा हो चुका है, और ये स्नेक प्लांट भी मैं लाई थी, मैंने मतलब ये दोनों ही इंडोर प्लांट्स हैं, बट मैं पहले इसलिए रखे थे कि मैं इनको स्टेबल करना चाहती थी, बहुत छोटे छोटे आए थे, अभी स्टेबल हो चुका है ये स्नेक प्लांट भी मनी प्लांट भी। इसका तो भाई पहले इसलिए आ गया था पोट, क्योंकि ये पहले जिम में आ चुका है, ये आया भी एक दो दिन पहले, तो इसका पोट नहीं आया, मैं सोच रहा कि इसको ऐसे रखा हुआ है, इसका पोट आ जाएगा तो इसको उसमें रख दूंगी, और मैंने ये दो ही प्लांट यहाँ रखे हुए अंदर। सोफा बहुत अच्छा लगता है, सोफा अच्छा लगा वो जरूर बताना, बहुत प्यार लगता है, सबको पसंद आया है, ग्रीन कलर है ना मेरे फेवरेट। नहीं सबको कलर के साथ साथ इसका फैब्रिक, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे अगर मैं सेट हम घर के लिए रहते ना तो बिल्कुल सही था ये सेट, बिल्कुल सबसे बढ़िया, और इतना यूनिक और यूनिक कलर। जब ये लेने जा रहे थे ना सोफे वगैरह, मेरी पसंद है सारी, जब शादी के लिए लेने जा रहे थे। देखो भाई शादी वाली चीज़ जो आती है वो प्योर लकड़ में सांगवान लकड़ी की आती है, जो कि खराब ना हो, और ये बात सच है कि वो लकड़ी कभी ख़राब नहीं होती है, और दिए वही सोफे जाते हैं, बाकी ये चीज़ है कि हाँ हम अपना एडिशनल बाद में क्या लेना चाहते हैं हमारी मर्जी। तो इनको बकवास इसलिए लगता है क्योंकि वो ये पूरी फॉर्म की गद्दी का नहीं जल्दी ख़राब हो जाती है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे घर में जो सोफे है ना वो 35,000 के हैं और वो ख़राब हो चुके हैं, ज़्यादा मत बोल बैठ जा, क्योंकि जो लक्कड़ वाले सोफे होते हैं ना वो कभी खराब नहीं होते, एक साल से वो सोफे अंदर रूम में रखे बंद पड़े थे, उनमें कुछ हुआ अभी तक, वही सेफ होते हैं। तो भाई वर्कआउट चल रहा है, और दिखा देती हूँ मैं, 11 बज रहे, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी चले ही जा रहे हैं, कब जाएंगे हम घर, कब जाएंगे, 1 घंटा और, 1 घंटा चाहिए भाई, 1 घंटा चाहिए। मैं इतनी प्यारी सी फोटो लगा रखी हम लोग की वृंदावन की, मुझे बहुत अच्छी लगती है फोटो, चलो आप करो फिर, ठीक है। तेरे ही नाम है। तो भाई लोग बाग बहुत पूछ रहे थे कि गाड़ी किसके नाम है, मैंने गाड़ी अपनी वाइफ के नाम कराई है भाई, ठीक है। लोग जो दहेज में देते हैं वो बेटी के नाम आते हैं, या मेरे अपनी गाड़ी मेरे नाम कराई, तेरा नाम कर दी मैंने, ठीक है ना। यार तो ये अपनी मील रेडी कर दी है, देख लो 6 अंडे और साथ में ओट्स 100 ग्राम, आज डेट्स नहीं थे तो उसकी जगह मैंने पीनट बटर डाल लिया 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब जो भी है फैट्स थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा अच्छा रहेगा। तो चलो जी ये अपनी फर्स्ट मील है, इसके बाद अपना पार्टी में चलेंगे। मील तो आप बनाए गए थे आज, खा के नहा के पूजा करके फिर सामान लेने चलते हैं, और फिर आप अपना चले जाना फ्रेंड्स के साथ, इतने में तैयारी कर लूंगी, ठीक है। तो ये बताओ लोगों को चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कि मैं आपको कभी किसी चीज़ के रोकती नहीं हूँ, वो मेरे अंदर औरतों वाले बीवी वाले गुण नहीं है,
अगर मैं गोवा भी जाना चाहूँ या थाईलैंड भी जाना चाहूँ, मैं जाने दे दूंगी। बस मुझे थोड़ा देख के जाना कि मुझे कहाँ छोड़ना है। ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड के लिए चल जाओगे, आपका मन लग जाएगा। वहाँ मन लगाने वाले बहुत है। कैंसल। नहीं जाओगे। तो भाई मेरे को तो जाना है, मैं तो जल्दी से रेडी हो लिया, पर मैडम ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। मैडम इतना ज्यादा टाइम लगाया करे। जब आपको स्पेशली रेडी होना हो अलग से, तो लाल हो रही है खत्ती जी मेरी सासू की। ए आइए, तो चलो भाई मेरे को तो जल्दी से निकलना है। तो भाई मेरा गेटअप कैसा लग रहा है? वही मैंने ग्रीन शर्ट पहन ली है, मोटे वाली, थोड़ा सा बढ़िया लगेगी। भाई सब देख लो, तगड़ा लग रहा है ना, अब थोड़े तगड़े होते चले जाएंगे भाई, टेंशन मत लो। और भाई अब 1 बजे निकलना भी है मेरे को, 12 बजा दिए, अब इसको सामान भी दिला के लाना है, और इसका मेकअप कंप्लीट ना हो रहा। और भाई थारा भाई का दे भी मेकअप आज तक करा नहीं, चाहे शादी हो मेरी तब भी ना करा मैंने। है मैडम नहीं करा ना मैंने, फिर क्या, फिर क्यों कर रही है मेकअप? जाना है। हाँ मैंने सिर्फ क्रीम लगाई है। तो चलो जी जल्दी से रेडी होते हैं, फिर इसको सामान दिलाते हैं। सामान बता देता हूँ क्या क्या दिलाना है, वो आपको दिखाएंगे अभी चल के, ठीक है ना? चलो बने रहना। तो भाई अब जाने की तैयारी हो रही है, और आज ही धूप आ गई है, कोइंसिडेंस सही है ना, मेरे को मतलब ठंड भी नहीं फील होगी घर में। आ जाओ जी। हाँ चलो, गाड़ी आज शाम ने धुलवा लेना, शाम ने। हाँ। तो भाई मैडम सामान भूल गई, क्या क्या लिख कर आई थी? काजू, किशमिश, चिरौंजी, गोंद, घी, गोला, खांड। देसी हो तो बहुत बढ़िया, या यहाँ की हो तो वो दिखा दो, खांड की हो तो वो बता दो। पक्का ऐसा ही रहा है ना खांड? जी है। नहीं इससे पूछ रहा हूँ, ये कभी कुछ और देख रही हो? मैंने ये पिछली बार मंगाई थी ऑनलाइन। खांड एक वो भी होती है ना जो गोला होता है, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है थोड़ा सा मोटा पिसा, हाँ वो चाहिए मुझे। ये नहीं चाहिए, ये चीनी है छोटे वाली, बिल्कुल खांड अलग होती है, बूरे जैसी होती है वो। ये तो बूरा है, आप उनसे पूछो, उन्हीं को बताओ। हाँ देसी खांड है ये। एक मैडम अलग है, एक बार उनसे पूछना, उनको बुलाओ। एक नीचे भी देसी खांड डालूंगी ना तो चीनी वाला फील देगी। हाँ और खांड नहीं देगी, बूरे जैसी लगती है। खांड आप देखो बस पैकिंग अलग है, और ये 1 किलो की पैकिंग है, ये 400 ग्राम की पैकिंग है पक्का पक्का, ये 500 ग्राम की पैकिंग है, ये 1 किलो की, दो ये देखो तीन तीन, क्योंकि बड़ा नहीं हो रहा नहीं दो। चलो जी 400 ले लिया, और कि मैं रहता ना गया फिर मत बोलियो। हाँ मैं नहीं आऊँगा बाद में, ओट्स से पैकेट ले लूँ मैं, दो अपना दो ओट्स से पैकेट था ली भाई, ये ले लेता हूँ, भूल जाऊँगा ना तो। चलो और किशमिश रखी है, किशमिश ली तो थी अभी, और पूरा पैकेट रखा हुआ है, हाफ है वो, 250 ग्राम है ना वो, तो इसमें 250 ग्राम और ले लेनी चाहिए। ठीक है ले ले, ले लिया वो जरूर बता दो क्या क्या यूज कर रहा है, ओट्स को हटाए सारी चीज ले लिया। 3 किलो और आधा आधा कर, तुम्हारे 3 किलो खांड लिया है, दो दो ओट्स लिए हैं लड्डू में डालने के लिए, 1 किलो ओट्स में ओट्स वाले लड्डू बना दे, तेरे गैल लड्डू में वो प्रोटीन वाले ओट्स लड्डू बनाऊँ, गैल प्रोटीन डाल के ना।
मैडम गोंद में यो वाला ही सही लग रहा है। वो दे दो आप। हाँ इसको हटा दे भाई, ये वाला दे दे। हाँ हाफ पैकेट को, ये पैकेट हो जाएगा दोबारा। पर वैसे है ना एक बार यूज करने के बाद खराब हो गई हो गए ऐसी। ठीक क्या ये तो भूल ही गए हैं। एक लेंगे ओरियो 5 स्टार। हां एक लेंगे मंच। हां और के में कितने छोटी ले ये लाड़ी ना चाहिए थी गेल मेरे लिए आ जाता सामान। हद हो गई यार, हद हो गई मांजा। बड़ी एक ही ले ले फिर। नहीं क्यों, वो खाने में भी स्वाद आया, मैं भी खा लूंगा। यहाँ तो ये देख लो पूरा 5,000 का सामान। और अभी भी ये पूरा नहीं है, तेरे 5,000 नहीं खाए तो तेरे मारूं मैं। और अभी भी ये पूरा नहीं है, पूरा है ये और के लेना था। आटा है अभी, आटा तो ले। टोटल 5 ही हो जाएगा फिर तो। ऊपर ही 5 है। 5,000 तो दे दो ना सामान। कुछ खाने का तो मेरे को फायदा लगता, वो वाला पेस्ट हम यूज भी ना करते। हमारे घर में हम यूज ही नहीं करते ना, हम दोनों ही हैं। ये दिखाओ ना, ये इन्होंने गिफ्ट में क्या दिया है। गिफ्ट में मैडम ने प्यार से मैडम ने इसके लिए डब्बे दिए दो, ये लो ये भी रख दो। हमारे यहाँ मल्टीग्रेन आटा भी तैयार किया जाता है, तो भाई यही चक्की है जहाँ से हम आटा लेके जाते हैं। छोटी शॉप है पर आटा बहुत अच्छा बनता है। ये अंकल देते हैं, गुस्से में दिख रहे हैं पर एक गुस्से में नहीं रहते, ये आटा ऐसे ही निकालते हैं। तो भाई मैडम अब एक बात सुन ले, इधर सुन। पहले एक बार है ना अपने ये उतारियो, यो जैकेट से ऊपर वाले एक बार उतारो। हाँ तो भाई कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ तुम्हें, बहुत तगड़ी। एक बार बाइसेप दिखाइयो अपने, ये देख लो। इसके नीचे तो पैंट रखी वैसे तो, ठीक है ना। बता दूँ ये इन मैडम को मैंने 5,000 का सप्लीमेंट दिला कर लाया हूँ। कहाँ गई ये भी? हाँ तो 5,000 का सप्लीमेंट हो गया, 4,000 ये, 4,600 ये था और 500 ही हो गया। ठीक है, और डब्बा भर के रखना है, डब्बा भर के रखना है और खाना है डेली। तो भाई मुझे डब्बे गिफ्ट मिले हैं। और भाई देख लो अगर इस ये भाई कमेंट बॉक्स भर देना है इसके उससे कि भाई मैडम इस बार तगड़े हो गए दिखा दो भैया को। ठीक है, हमारे बस भाभी को बोल दो ऐसी मॉल है, ठीक है वहाँ से मुझे गिफ्ट में एक तो पेस्ट मिला जो हम यूज नहीं करते, मुझे दो बॉक्सेस। कोई ना मैं यूज कर लूंगा उस पेस्ट में। पतंजलि ना रेड क्या है, रेड बुल है क्या है वो। तो भाई मुझे ये दो बॉक्सेस मिले हैं, उन्होंने मुझे मिल्ली के बॉक्स दिए हैं, वही स्ट्रांग है। स्ट्रांग है क्या, फिर तो ठीक है यार। और के ले गई अब इन्हें भर के यही कमरे में रख ले वो लड्डू। हां जब बंद कर खा ली। हां एक डब्बा रख लूंगी और एक डब्बा भी आ लूंगी भर के, वो अंदर लाते अंदर से बाहर खाली कर दूंगा। तो भाई डब्बे मुझे मिले, थैंक यू सो मच उन लेडी को जिन्होंने मुझे दिया है, बहुत बढ़िया बॉक्स है यार। देख भाई एक तो इसके सप्लीमेंट और एक मेरे सप्लीमेंट देख लो, ठीक है ना, फर्क है। ठीक है मेरा एक डब्बा हो इसका देखो कितना सामान आया, अगर ये इसने नहीं फिनिश करा ये सारा बना के ना तो इसका दूंगा ये गुद में। पहले तो मैं शुगर गंदी खाऊं। चलो मैं हो जाऊं इतना। हां आराम से जाना, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। मैं रेडी करती हूं चीजों को, आप होकर आओ। ठीक है चलो बाय बाय। हाँ ये चीज दिखाओ, ये चीज बताओ ना क्या फ्रेंड्स के साथ जाना तो मुझे आप की चीज ला के लाने। हाँ ये दिखा दी बेटा मैंने क्या क्या चीजें ली है। ये छोटी छोटी खुशियाँ चाहती है, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत होती है। मुझे 5 चॉकलेट्स मिली है, जब तक मैं आऊँ तब तक तो चुप रही हूँ, रोई हूँ।
रोइयो मत अब, ठीक है ना। हाँ चल अब बना ले थोड़ा बहुत कुछ, फिर आते हैं गूंदे लड्डू बनाते हैं। चले तेरे फ्रेंड है मेरे भाई तो लगते हैं, कुछ तो लगते हैं, वैसे मना भी नहीं करेंगे पर मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि मेरा काम है। तो लो जी ये है भाई सचिन, इसका जिसका बर्थडे है भाई, बारबेक्यू नेशन ले आई ये ऋतिक ना। अभी एक और आना है अरुण, वो अभी आया नहीं है, उसका ही वेट कर रहे थे। मैंने कहा जाए फिर खा स्वाद ले रहा पूरे पाइनएप्पल के गेल। पाइनएप्पल के बारे में खा के देख ले पहला। तो भाई मैंने तो पपेट दिया ना भाई, मैंने इससे में डाल दो के कहने पे। तो भाई यो है अपना बादशाह पुराना दोस्त, ये हमारा दोस्त ऋतिक है। ये हमने अलग अलग कैटेगरी बांट रखी है ना, ऋतिक कटारिया यो बादशाह पुरता है, यो बादशाह ही है, मैं इनके बीच में हूँ, कहीं पे भी जा सकूँ। हाँ 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 रील बना ले। गोलगप्पे खाऊंगे भाई आज पनीर रख दे भाई, वो आऊगा अभी थोड़ी देर में, पनीर ही खाऊगा उसके अलावा वो कुछ खा लेना। तो रख दे ये क्या है भाई, फिश रख दे तो भाई अपने फिश खाएंगे, फिश खाएंगे साथ में। हाँ चिकन टिक्का एक रख दो, और क्या है वो फिश है और चिकन ना। तो भाई पहला थोड़ा बहुत है ना खा ले, थोड़ा रेस्ट कर, फिर मेन कोर्स पे चले, दोबारा चले, फिर दोबारा मेन कोर्स पे। कट्टी तो ना आ रही दे रहे दे, आ जाओ तो करी आना, मेरा भी ना आ रही वैसे, बोल सुन यहीं पे है जा सकता है जल्दी आके। भाई साहब घर का आ रहे हम तो, अपना अपना देख पहले कभी जिले ना मसाला मेरे तो जाओ मसाला तेरा देख, कल डॉक्टर दोबारा बुला रहा मसाला के चक्कर में बात पकड़ गए। और अभी तो एक बंदा तो आया ना वो मसाले आना तो, अरे वो तो पाव भाजी वाला है, खाने उसने वही है बस, वो खा खू के चलता रहा होगा अपने सुसराड़ में, वही करा रखा था उसने। हाँ तो भाई स्टार्टर खाने के बाद सीधा मैं तो इन्हें ले चला डेजर्ट पे। मैंने कहा भाई कुछ मीठा मीठा हो जाए, मैंने कहा ले केक खा दो थोड़ा सा, इसे केक खिलाया मैंने, इसका केक तो काटना पड़ेगा लास्ट में। तो फिर एक और दे दी, ये मेरे ना केक था पेस्ट्री सी थी ये दे दी। फिर मैंने कहा काला, ये काला वो गाजर का हलवा था, मैंने कहा ये देखते हैं ट्राई करते हैं, मेरे को एक चम्मच ली मेरे को पसंद ना आया, मैंने कहा ले देते तू ही खा तू खा। फिर इसने खाया, इसको भी पसंद ना आया, ये फिर अपने घर ही भग गया इसके बाद। तो मैंने कहा बस इतनी वीडियो बस बहुत है, इसने खा लिया और मैंने इस तरह दे दिया। फिर भाई सचिन का बर्थडे विश करा हमने, केक कटवाया, और भाई ये बहुत राजी हो रहा था आज। मैंने कहा शाम ना हो रहा हूँ अलग तो पार्टी लेना, तो कह रहा कोई ना भाई आ जाइयो। तो भाई ये देखो ये है सचिन बादशाह पुराना। तो भाई बर्थडे तो बनाया हूँ, आते ही देखा तो मैडम ने सारा सौदा कर भी दिया। मैडम इतनी जल्दी लग रही थी, इस बार मैंने धमकी दे दी मैडम को, ये 5,000 का सप्लीमेंट ऐसा नहीं करा ना, बाहर को बोल दे। तो भाई मैं तो बाहर भी खाया था, पर है ना ये सारा सौदा देखने के बाद ऐसा मन कर रहा है ये भी खा लो। तो आज दिखाते हैं आपको गूंद का लड्डू बने कैसे, और कितने मोटे मोटे बनाओ इधर मोटे मोटे। हाँ एक ही बना दो सारा, एक ही बना दे, ये तभी स्वाद आया जब बड़ा रहेगा ना, वो ये खा लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। चल कोई साइज बनाओ ना, फिर कल वाले बना भी तो खाना पड़ेगा ना। और बर्तन देख लो भाई, भाई ये मत सोचना बर्तन भी बर्तन ना हो, बर्तन तो घने ही होंगे, ये परात शुक्र है मैडम लेके आ रखी थी, मैं इतनी बड़े परात खड़े चलाता मैं। ये मैडम ने सारे सौदे मिक्स कर दिए इसमें,
ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, मिक्स है पीस दिए, अच्छा गोला है, बादाम वो सारा वो अलग अलग उसी में, बादाम फ्राई कर दिया, फ्राई करके डाला है ना, हाँ फिर ठीक है। तो अभी आपको पूरा टारगेट दिखाते हैं और जो भी होगा जो सारा देखना होगा ना, जो सारा प्रोसेस करा हुआ है मेरे में तो बड्डू बनते उड़ती थी, पर जो सारा प्रोसेस देखना वो मैडम ने ब्लॉग पे लिखा था, दुर्गा कटा रही थी ना, तो आपको दिखाते हैं। और भाई बर्थडे में खा तो आया पर खाने में महक यहाँ आते हुए देख रही है ना, तो यहाँ ज़्यादा अच्छी लग रही है, घर का खाना भी अलग रहा है ना। ब्लॉग में देख ही लिया होगा, वीडियोस में देख ही लिया होगा मैंने किस स्टेप के बाद कैसे चीज़ किया। पहले मैंने गोला किया था, उसको थोड़ा फ्राई किया विदाउट घी क्योंकि उसमें पहले से ऑयल होता है। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स करे, फिर मैंने बेसन करा, फिर मैंने आटा करा, लास्ट में मैंने घी करा। और बेसन रखने का मैंने मतलब इसलिए बताया था, जो काम गोंद करता है लड्डुओं में वो एक काम बेसन करता है, तो उससे आपको और ज़्यादा गर्माहट और ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। इसको ऐड करने का सबसे ज़्यादा रीज़न यही है, अदरवाइज इसको नहीं करना वो नहीं करे, बट जो करेगा उसके लिए अच्छा है, तो मैंने तो ऐड किया है। और मैंने इसको भुना है पहले, पीला होता है थोड़ा गर्म है इसको, अब बनाएंगे हम इससे अपने गोंद के लड्डू। भाई रेडी कर दिया पूरा सामान, रेडी कर दिया मैडम ने। और भाई जिसका वेट गेन नहीं हो रहा जैसे मैडम है तो भाई एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना सबको कि भाई लड़कियां भी हो सकती है उससे, लड़के ये बोलो कि मैंने चाहती तो अब होता है, नहीं चाहती तो नहीं। हाँ तो भाई जो वेट गेन करना चाहता है वो प्लीज इस डाइट को फॉलो करे, और भाई इस रेसिपी को फॉलो, हाँ रेसिपी जरूर फॉलो करे और बनाए अपने घर में, तो भाई आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। ये देसी हरियाणवी डाइट है, ये बात याद रखना, और गेट होगा ही होगा, हमारी भी डाइट है। यूपी वाला बढ़ते सीखा है, तू यूपी की है फिर आया, वैसे पूछ लो ना यूपी की, वैसे तो बोल दे दिल्ली की है मेरी फैमिली, अब वो चीज आती है ना सुन में, ऐसे मत कोई लक्षण बना दे फटाफट, लग जाऊंगी खुद तो देख लेना। तो भाई ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना आटा और बेसन मिक्स है, तो भाई थोड़ा थोड़ा हाथ में ही बटा दो मैडम ना, दादो मैडम कहूंगी तुमने करा क्या है, ये चाहते हैं इसमें मैं इनका योगदान दूं। हां योगदान दे दिए यार, कुछ तो कर रहा हूं मैं। तो भाई बेसन मैंने उसमें से पूरा इसमें उलट लिया है, तो वो मिक्स करना है इसमें, अब ये थोड़े छोटे छोटे से बन जाते हैं, अब इसका वो करते हो। फिर इसमें भाई देख लो देसी घी डालेगा, गाय का या भैंस का भी ले सकते हो, पर हम गाय का यूज ज्यादा करते हैं क्योंकि गाय का अच्छा रहता है ना भाई। हां कोई ना, तो भाई ये आ गया अपना घी, देसी घी गाय का जो डाला जाएगा, अब डाल दे जी। तो भाई जिसमें गोंद खाना हो तो आ जाओ, मैं नीचे से आ रहा हूँ, उछाल के डाल दे, उछाल के डाल दो। दोनों आप भी याद मत करना, दोनों याद हो जाएगा। लग रहा था तो वही जो सोचा है गोंद के लड्डू, ठीक है, जिसने वेट बढ़ाना हो और जिसका खांसी जुकाम ज्यादा हो रहा हो वो ये खाए, और भाई बहुत बढ़िया डाइट है, ठंड के लिए बहुत अच्छी डाइट है, आपका वेट गेन भी होगा और बढ़िया मसल मास भी बढ़ जाएगा। जो बिगिनर लोग हैं ना वो जरूर खाए अपना दूध के साथ एक लड्डू डेली ले, तो मस्त अपना वेट गेन होएगा। अब मैडम के लिए बनाए हैं वैसे तो, पंखा खा लेगी ना वेट गेन, हाँ फिर ठीक है, 5,000 का सप्लीमेंट खुआ दे पूरा, खुआना ही पड़ेगा, देखा मैं तो तेरा ध्यान रखूँ यार तेरा, तुम मेरा ध्यान रखो मैं घर का ध्यान रखूं, ऐसे ही करती हूं, ऐसे ही करता है पूरा पता लगा, घी और ले थोड़ा सा, हां वो करना पड़ेगा, जाओ कैसे करूं उसमें से निकाल लो घी, अरे स्पून से निकाल के इसमें डालो, अभी साइड है ना, क्या बताओ चाहिए
छोड़ दे ये और आ जाएगा नहीं उस साइड हो जिसको मुंह मत करना गंदा भी फिर मोटा बना लो जा लो जी पहले मैं बनवाता था ये तेरे लिए मैं बनाता हूँ बेटा ऐसा होगा मुझे लो जी लड्डू खा लो हेलो फ्रेंड्स आओ मेरे हाथ के गोमूत के लड्डू खाओ लड्डू बनाने को ये देसी डाइट है भाई मुश्किल काम ना है पर हाँ बात एक ही है प्रोटीन में भूख लो वहाँ ही ऐसे देसी के लिए बात तो एक ही है पैसा खर्चा सब में है खर्चा तो सब में लग जाएगा ये 20-25 दिन में खत्म हो जाए मजाक उड़ा रहे हो मैं तो बस बता रहा हूँ बस कल बोला था उसने एक से ऊपर हो जाए चलेगा मुझे है भाई आप भी मानते हो एक से ऊपर होना चाहिए मैडम का देखना कितने मस्त लड्डू बनाए बस अब ना इस पे ऑनलाइन आ रहे यूट्यूब पे लाइक ये दर्द और हाथ धो जाओ ना लाइव आ जाता हूँ साथ साथ बनाए ना दे जा 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 मैंने बोला ना कौन ही है ये बता रहा हूँ हाँ अपनी जान में बढ़ रही हूँ फिर बोले तो बना नहीं तो इतना कि सूखने से ताकत आ गई है मेरे को सूखने से याद है जब खाने में बाहर ही आई अब इसको नहीं से निकालो उसको मुझे नहीं नहीं हाथ में लगा के जा रहा हूँ ना निकालो अपने यहाँ से निकालो सारा साफ करो वाह ऐसे निकालो सारा वरना तो आप ले जाओगे ऐसे दो चार बना ले आओगे तो आज खा देते तुम्हें हैं या बनाओगे हाथ धो के आ जाओगे यार घी देखियो तो कह रहे घी ना है घी तो है ना यार इसमें तगड़ा गच बना रखे हैं आज एक एक लड्डू और अपने पनीर की सब्जी के साथ रोटी पालक पनीर तो चलो दोस्तों अपना डिनर मील इज रेडी देख लो दो रोटी खाऊं मैं तो और साथ में एक लड्डू हो गया आज मैडम ने बना दिया तो मैंने कहा खाना ही खाना है आज तो क्योंकि मैडम ने इतना मन करवा दिया ना खाने का तो चलो जी अपनी आखिरी मील ले गए सोते हैं अपना बाय बाय टेक केयर सीताराम दोस्तों आप थोड़े जल्दी सो जाएं ठीक है तो चलो जी कल मिलते हैं आपसे।